हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है एडस्टेरा डबल अर्निंग ट्रिक 2024 यूजिंग व्हाट्सएप एडस्टेरा अर्निंग ट्रिक एडस्टेरा डायरेक्ट लिंक। सो आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना। अगर आपको आप कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड है तो आप मेरे टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर लेना या आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको अर्न मनी ऑनलाइन बाय बॉक्सपॉट ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पर मैंने वो सारे पॉसिबल तरीके शेयर किए हुए हैं जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो आप जाकर इन वीडियोस को देख लेना और सीख लेना किस तरीके से आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ गूगल पर, और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है edstera.com। सो आपको ये वाली एक वेबसाइट मिल जाएगी। इस पर आपको क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है सबसे पहले। अब वो अकाउंट कैसे बनेगा, आपको ये साइन अप वाला बटन नजर आएगा, आपको इस साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको एज अ पब्लिक यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। गेट स्टार्ट आपको ये मिलेगा ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ईमेल आईडी, फुल नेम, लॉगिन, पासवर्ड, मैसेंजर और पेमेंट मेथड डाल के आपको यहाँ से आई विल रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना है। इतना करेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा या वेरिफिकेशन लिंक जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका अकाउंट यहाँ पर बनके रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको मोनेटाइज एनी ट्रैफिक विद अ लिंक, सो आप एक लिंक के साथ अपने किसी भी ट्रैफिक को मोनेटाइज कर सकते हैं। क्रिएट डायरेक्ट लिंक, पुट द लिंक एनीवेयर, ट्रैक एंड मेक चेंजेस आपको यहां पे नजर आएंगे। सो इस तरीके से ये वर्क करता है डायरेक्ट लिंक, राइट। बट आज हम करेंगे अपनी वेबसाइट को ऐड। यहाँ पर ये वेबसाइट वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट ऐड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये ब्लॉगर पर आना है एंड यहाँ पर आप फ्री में यहाँ पर अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप पेड भी करना चाहते हैं तो आप डोमेन एंड होस्टिंग लेकर वर्डप्रेस पर भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज क्योंकि मैं फ्री में बताने वाला हूँ तो आपको यहाँ पर आ जाना है blogger.com पर एंड यहाँ पे हम गए। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर यह बटन नजर आएगा आपको। अगर आपके ऑलरेडी यहाँ पर ब्लॉग्स हैं तो आपको यह आएगा, अदरवाइज यहाँ पर क्रिएट अ ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर न्यू ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको टाइटल डालना है ब्लॉग का, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। तो नाम कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आ जाना है आपको चैट जीपीटी के ऊपर। सो यहाँ पे आपको लिखना है मूवी रिलेटेड ब्लॉगर नेम सजेशन, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखकर इसको एंटर कर देना है। सो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी आप कुछ नाम सजेस्ट करेगा जो भी आप अपने ब्लॉगर पर बनाना चाहते हैं, जिस भी नाम से आपको अपना ब्लॉगर बनाना है। सो यहाँ पर इसने देखो नाम देना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको यहाँ से कोई भी एक नाम ले लेना है जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा नाम लगे वो नाम आपको यहाँ से लेके आपको अपने ब्लॉग पर आ जाना है और यहाँ पे आपको वो नाम लिख के नेक्स्ट कर देना है, फिर एड्रेस डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। इतना आप करेंगे सो आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया हुआ है मूवी से रिलेटेड, सो मैं इस वाले ब्लॉग पर ही काम करूंगा, राइट। तो यहाँ पर आपको इसको व्यू कर लेना है यहाँ पे आके इस तरीके से। सो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगा आपका ब्लॉग, करेक्ट। अब यहाँ पर आपको अगर थीम चेंज करनी है तो आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। थीम चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको इस थीम पर क्लिक करना है एंड आपको नीचे आना है। नीचे आपको काफी सारी थीम मिल जाएंगी, आपको इन थीम्स में से कोई भी एक थीम आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है और अप्लाई करना है, राइट। अब यहाँ से देखिए, जैसे सपोज ये वाली थीम है, इसको आपको क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ से अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपकी थीम यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अभी मुझे नहीं करना है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, करेक्ट। अभी आपको क्या करना है, और अब आपको यहाँ पर ये पोस्ट वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको राइट करना है लेटेस्ट मूवीज, राइट, इस तरीके से आपको टाइप करना है। तो जो भी लेटेस्ट मूवी है उससे रिलेटेड आपको कंटेंट लेना है और पोस्ट करना है अपने ब्लॉग पर। अभी वो किस तरीके से होगा और वहां पर आपको एड लगानी है, अब वो कैसे लगेगी मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पर श्याम बहादुर ये वाली मूवी आ रही है, आपको इस मूवी को यहाँ पर कॉपी कर लेना है और आपको आ जाना है चैट जीपीटी पर और यहाँ पे आपको लिखना है इस तरीके से, चैट जीपीटी सर्च करके आपको, एंड यहाँ पर आपको कंटेंट लिखवाना है। सो यहाँ पे मैंने मूवी का नाम डाल देना है आपको और उसके बाद आपको लिखना है डाउनलोड HD रिलेटेड टाइटल।
तो आपको फिर इसको ये लिख के आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब ये आपको कुछ टाइटल्स लिख कर देगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, तो अभी हम यहाँ से दोबारा से मूवी का नाम लिखते हैं और आई वॉन्ट फुल ब्लॉग ऑन दिस मूवी। अब यहाँ पर आपको ये लिखकर आपको एंटर करना है, तो अब ये आपको ब्लॉग्स लिख कर देगा, पूरा कंप्लीट ब्लॉग लिख कर देगा जो आप अपने ब्लॉगर पर ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये रीड आउट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड उसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट ब्लॉग लिख कर आपको दे देगा। यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो गया आपके सामने। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इस पूरे ब्लॉग को कॉपी कर लेना है इस तरीके से और आ जाना है आपको अपने ब्लॉगर के अंदर एंड देन आपको यहाँ पे न्यू पोस्ट वाला बटन नजर आएगा, आपको इसमें क्लिक करना है एंड यहाँ से अब आपको पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से, आपको यहाँ पर ये हमने ब्लॉग डाल दिया। अब अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो आपको यहाँ पे इसको लिख देना है मोर और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, फिर ये आपको और कंटेंट देगा जो भी आप यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं। तो ये कंटेंट आ गया और आपको इस कंटेंट को पूरा आपको कॉपी कर लेना है और ऐड कर देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये इजीली दे देगा। तो अब आपको यहाँ से इस पूरे कंटेंट को कॉपी करना है, इस तरीके से आपको इस पूरे कंटेंट को इस तरीके से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पे आपको एंटर करके ऊपर आपको अपना कंटेंट पूरा ऐड कर देना है। यहाँ पर ये ऐड हो गया कंटेंट एंड उसके बाद आपको टाइटल में यहाँ पर क्या डालना है, आपको टाइटल में डालना है सैम बहादुर एंड उसके बाद आपको यहां पर लिखना है डाउनलोड फुल HD मूवी, इस तरीके से आपको लिखना है और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। राइट, अभी हमने यहाँ पर टाइटल भी ऐड कर दिया और यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई हैं। अब आपको इसको पब्लिक कर देना है इस तरीके से, ये पूरा कंटेंट आपका पब्लिक हो गया, आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको व्यू करेंगे तो ये कंटेंट अभी आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर एड्स लगाने हैं और इसको थोड़ा कस्टमाइज करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको आ जाना है वापस से इस पर, इस कंटेंट को पूरे को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से ये ओपन हो गया। अभी आपको प्राइवेट विंडो पर जाना है और यूट्यूब पर जाना है और मूवी का नाम डालना है। यहाँ से ये यूट्यूब आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको सर्च में डालना है मूवी का नाम एंड देन आपको इसको सर्च कर लेना है इस तरीके से एंड सो यहाँ से ये सर्च हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाली टाइटल आपको मिलेगा सबसे ऊपर टॉप पर, जो आपको वीडियो मिलेगी आपको इसको ओपन कर लेना है एंड इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉपी एम्बेड कोड मिलेगा, आपको इस कॉपी एम्बेड कोड पर क्लिक करना है। यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और एंड देन आपको इस पर आने के बाद यहाँ सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एंटर करना है इस तरीके से एंड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है बॉक्सपुट इस तरीके से एंड देन आपको इसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे फिर आपको यहाँ पर ये पेंसिल वाला बटन नजर आएगा, आपको इस पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है, HTML व्यू पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको कंट्रोल F करके डालना है बॉक्सपुट इस तरीके से, फिर आपको एंटर करना है और आपको ये बॉक्सपुट यहाँ पे नजर आएगा। आपको इस बॉक्सपुट को सेव, इसको पूरे को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। अपडेट कर देंगे तो उसके बाद आपको मूवी का जो ट्रेलर है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपको फिर से कंपोज व्यू पे चले जाना है और अब आप इसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मूवी नजर आ जाएगी, करेक्ट, इसको हम व्यू भी कर सकते हैं, आप प्रीव्यू कर लेना इस तरीके से। ये हमने प्रीव्यू कर लिया एंड देन मैं आपको इसको पूरे को भी एक बार ओपन करके यहाँ से दिखा देता हूँ कि आपको ये किस तरीके से आपको ब्लॉग आपका नजर आएगा। सो यहाँ से आपका ब्लॉग ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, यहाँ से नीचे करके सबसे नीचे आपको ये मूवी का ट्रेलर आपको नजर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डाउनलोड बटन आपको लगाना होगा जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ इस पर क्लिक करके आपकी मूवी जो है डाउनलोड हो जाएगी और उस डाउनलोड बटन के लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी। वो कोड मैंने आपको कहाँ पे देना है, सो वो वाला कोड ये है। ये कोड मैं आपको कहाँ पे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इस कोड को कॉपी करके इस वीडियो को जैसे ही शेयर करूंगा उसके बाद ये वाला कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आप बहुत टाइम बाद मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आप चले जाना इस तरीके से एंड यहाँ पर आपको ये ब्लॉगर मिलेगा एंड आपको ये कोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। राइट, क्योंकि टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर आपको ये कोड बहुत टाइम बाद अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप मेरी वेबसाइट पर आ जाना डायरेक्टली और ब्लॉगर पर जाकर आपको इजीली कोड मिल जाएंगे। ये वाले कोड आपको यहाँ पर
मिल जाएंगे। सो आपको इस कोड के अंदर चेंज क्या करना है, आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिलेगा। ये वाला जो मैंने लिंक डाला हुआ है ये मेरा डायरेक्ट लिंक है, आप इसकी जगह अपना डायरेक्ट लिंक डाल देना। तो यहाँ पर कैसे डालेंगे आप अपने डायरेक्ट लिंक, तो उसके लिए आपको एडस्टेरा पर जाना है। यहाँ पर एडस्टेरा पर आने के बाद आपको इस पर या डायरेक्ट लिंक का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ से आपको अपना डायरेक्ट लिंक क्रिएट करना है। सो यहाँ से आपको इसको क्रिएट पर क्लिक करना है, और क्रिएट कर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट हो जाएगा आपका डायरेक्ट लिंक। एंड देन उसके बाद आपको इसको कॉपी करना है इस तरीके से। एंड कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने कोड के ऊपर, एंड यहाँ पर आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने पोस्ट पर, और पोस्ट को आपको ओपन करना है। एंड पोस्ट को ओपन करने के बाद जहाँ पे भी आपको अपना ये डाउनलोड बटन लगाना है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के जस्ट ऊपर आप इस बटन को लगा देना। यहाँ पर मैं एक साइन के लिए बॉक्स पुट लिख रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये पेंसिल वाला बटन नजर आएगा, इस पेंसिल वाले बटन पर आकर HTML व्यू आप कर लेना, एंड देन आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल F, एंड आपको यहाँ से इसको बॉक्स पुट लिख लेना है, एंड आपको एंटर यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ से आपको ये बॉक्स पुट वाला मिल जाएगा, आपको इस पूरे को सिलेक्ट करना है, और जो कोड आपने यहाँ से कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है, एंड आपको यहाँ से फिर इसको अपडेट कर देना है। ये मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया, एंड अपडेट करने के बाद आप इसको व्यू कर लेना। यहाँ से मैंने प्रीव्यू पर क्लिक कर देता हूँ एक बार, और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से नजर आएगा। और मैं यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ, और ये मैं आपको यहाँ से व्यू करके भी दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से आपकी पोस्ट नजर आएगी। ये आपको यहाँ से व्यू वाला बटन है, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट डायरेक्टली व्यू हो जाएगी। सो ये हमारे यहाँ पर पूरा पोस्ट है। अब हम नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो ये डाउनलोड वाला बटन लग गया, इसके नीचे ट्रेलर आ गया। सो ट्रेलर कोई भी देखेगा तो इस डाउनलोड पर क्लिक जरूर करेगा, करेक्ट? तो आपको ये जरूर लगाना है। एंड आपको अगर ये स्पेस कम करना है तो ये स्पेस भी इजिली कम हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपको ओपन करके इसमें बस एडिट वगैरह करने हैं, करेक्ट? तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस वेबसाइट को सबसे पहले ऐड करेंगे, कहाँ पे? एडस्टेरा पर। सो वो कैसे होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है और ये व्यू वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ये जो पूरा ऊपर लिंक मिलेगा आपके ब्लॉग का, उस लिंक को आपको कॉपी करना है। ये कॉपी करना है इस तरीके से, और इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने एडस्टेरा पर, और ये वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। और वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा, एंड ये आपको एड वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड देन आपको ये वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से लिंक अपना पेस्ट करना होगा इस तरीके से। एंड देन आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, कैटेगरी में आपको ये मूवी सिलेक्ट कर देना इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको जो एड लगानी है उसका साइज आपको सिलेक्ट करना होगा, वो आप ये वाला बैनर ले लेना इस तरीके से, और इतना करेंगे आप, इस पर टिक करके फिर आपको यहाँ से इसको ऐड कर देना है। तो विद इन 60 सेकंड के अंदर में आपकी जो ये वाली वेबसाइट है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये आपको नजर आएगी, ये मैंने ऑलरेडी ऐड की है, इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप इस तरीके से ये ऐड कर लेना, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर इशू आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर आकर मैसेज करो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एंड आपका जो भी एड साइज है वो आपने जो ऊपर क्लिक किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, और ये एक्टिव नजर आएगा। इसके बाद आपको गेट कोड पर क्लिक करना है, और इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है इस तरीके से, ये मैंने कॉपी कर लिया। एंड देन इसके बाद आप इसको क्लोज कर देना, एंड ये यहाँ से कॉपी हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर वापस से ब्लॉगर पर आ जाना है, एंड आपको इसको ओपन करना है अपने पोस्ट को, एंड जहां पर भी आपको अपना कोड लगाना है एड का वो आप यहां पर लगा देना। जैसे कि यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा, इस पर आपको टिक करना है, एंड यहां से आपको इसको लिखना है बॉक्स पुट, जहां जहां भी आपको अपनी एड लगानी है वहां वहां पे आपको लिख देना है बॉक्स पुट, जिससे कि आपको याद रहे, जो भी आपको नाम याद रहे वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये सारा लगा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको अब आगे क्या करना होगा इसके अंदर। सो ये मैंने पूरा का पूरा ऐड कर दिया, इसके बाद आपको यहाँ से अपडेट करना है। अपडेट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके HTML व्यू पे जाना है, फिर कहीं पे भी आपको क्लिक करना है, फिर कंट्रोल F करना है और लिखना है बॉक्स पुट, एंड उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये नजर आ जाएगा नाम, तो ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर कंट्रोल V करके इसको अपने कोड को पेस्ट कर दिया जो अभी मैंने यहाँ से
कॉपी किया था। एंड उसके बाद दोबारा से आपको कंट्रोल एफ करके बॉक्स पुट लिखकर एंटर मारना है, तो आपको दूसरा वाला बॉक्स पुट नजर आ जाएगा। सो जहां जहां भी आपने बॉक्स पुट लिखा है वहां वहां पे आपको अपना ये एड कोड एड कर देना है, राइट। तो यहाँ से मैं वन बाय वन सारा कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कोड्स ऐड कर देने हैं। सो यहाँ से मैंने सारे कोड्स ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। एंड अपडेट करने के बाद हम बैक चले जाते हैं और इसको हम व्यू कर लेते हैं कि हमारी एड यहाँ पर चली है या नहीं चली है। सो जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, जहां जहां भी हमने कोड लगाए हैं वहां पर ये एड्स आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये एड हमारे यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो गए हैं, करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे हमारा डाउनलोड वाला बटन आ जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा ये ट्रेलर आ जाएगा मूवी का, करेक्ट। अब हमने यहाँ पर काफी सारे एड्स लगा दिए हैं और डाउनलोड बटन भी लगा दिया है, बस एक चीज मिसिंग है, डायरेक्ट लिंक। तो डायरेक्ट लिंक आपको कैसे लगाना है, आपको डायरेक्ट लिंक पर जाना है और यहाँ से आपको क्रिएट कर लेना है डायरेक्ट लिंक। ओके, बहुत इजी है क्रिएट करना। आपको यहाँ पे नॉन एडिट पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ से आपको एड कर लेना है, राइट। आप एड करेंगे 60 सेकंड में अंदर में यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आप इसको कॉपी कर लेना इस तरीके से। एंड कॉपी करने के बाद हम आ जाना है यहाँ पर एंड यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर एड अपनी लगा देनी है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और अब मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट लिंक ऐड करना है। अब डायरेक्ट लिंक कहाँ पे ऐड करेंगे आप, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंपोज व्यू में आना एंड उसके बाद सबसे टॉप पर ये जो आ रहा है तो इस पर हम लगा देते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करके इसको सेंटर कर लेते हैं एंड ये सेंटर हो गया। तो अभी हमें यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट लिंक जो हमने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट करके ओपन कर लेना है एंड अप्लाई कर देना है, करेक्ट। अब इसके बाद आपको जहां पर ये साम बहादुर आपको जहां पे मूवी का नाम है वहां वहां पे भी आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है अपना डायरेक्ट लिंक और इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा आपका डायरेक्ट लिंक। आपको जहां पे भी करना है अपने हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड करना है आपको यहाँ पर और इसको ओपन कर लेना एंड अप्लाई कर देना, तो ये ऐड हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिंक ऐड कर देना है एंड देन आपको यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। तो इतना काम हमने कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले लिंक को, ये हमने जो ऐड वाला पूरा लैंडिंग पेज हमने यहाँ पर बनाया है जिसके अंदर हमने ऐड लगाई है, डायरेक्ट लिंक लगाया है, डाउनलोड बटन लगाया है, तो अब आपको इसको प्रमोट करना होगा, राइट। तो आप प्रमोट कैसे करेंगे आप इसको, तो प्रमोट करने का तरीका है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर आप किस तरीके से इसे प्रमोट कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये हमारा पेज पूरा रेडी हो चुका है, अब हम इसे प्रमोट करेंगे। तो आपको इसको कॉपी करना है इस तरीके से और आपको आ जाना है नोटपैड पर और इसको सेव कर लेना है, राइट। एंड अब आपको नेक्स्ट विंडो में ओपन करना है एंड लिखना है आपको लेटेस्ट मूवीज रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर व्हाट्सएप के आपको ग्रुप मिलेंगे मूवीज से रिलेटेड, जैसे कि ये वाला है और ये टॉप वाला है। आपको इन सारे ग्रुप्स को चेक कर लेना है, जो भी ग्रुप अच्छा है और जहां पे भी आप प्रमोशन कर सकते हैं उनको आपको ओपन कर लेना है। इस तरीके से ओपन आपको करके यहाँ पर नीचे आना है एंड देन आपको यहाँ पे ये लिंक्स मिल जाएंगे, क्लिक हेयर वाले, करेक्ट। तो अब आपको जिस भी लिंक को ज्वाइन करना है आपको क्लिक करना है और ग्रुप ज्वाइन करना है एंड उस ग्रुप के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना ये वाला लिंक डाल देना है। सो जितने भी लोगों को इस मूवी को डाउनलोड करना होगा वो इस लिंक पर क्लिक करके आपके ब्लॉग पर आ जाएंगे एंड आपके ब्लॉग पर जैसे ही आएंगे तो आपको एड पर क्लिक आएंगे और आपकी ऑनलाइन अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी भी लेटेस्ट मूवीज आती है हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, उन सारी मूवीज से रिलेटेड आप ब्लॉग बनाकर डाल सकते हैं एंड देन आप उस ब्लॉग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपकी ऑनलाइन अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इनमें काफी सारे आपको यूएसए के ग्रुप भी मिलेंगे, यूके के ग्रुप भी मिलेंगे, जिससे कि आपके ब्लॉग की एड्स पर क्लिक आएंगे यूएसए यूके के एंड आपकी ऑनलाइन अर्निंग ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी, एडस्टेरा डबल अर्निंग ट्रिक 2024 यूजिंग व्हाट्सएप, एडस्टेरा अर्निंग ट्रिक, एडस्टेरा डायरेक्ट लिंक। मैंने आज आपको कंप्लीट कोशिश की थी बताने की, आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है सो आप मेरे टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर लो, मुझसे बात करो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। व्हाट्सएप चैनल पर भी आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने मैसेज मेरे को छोड़ सकते हैं। एंड अगर आपको कोड चाहिए डाउनलोड बटन वाला सो तब भी आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। अगर आप काफी टाइम बाद मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सो आपको कोड काफी ऊपर मिलेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आप मेरे वेबसाइट आपको मिलेगी ये वाली, इस वेबसाइट पर जाकर भी आप इस कोड को इजीली ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।